तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स को जो अपनी एग्जाम कैंसिलेशन की लड़ाई जीत चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं SOL के उन स्टूडेंट्स की जो अपनी लड़ाई लड़े बगैर ही हार मान चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, आप लोग बिना लड़ाई लड़े ही हार मान चुके हो। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो के थ्रू एक मुद्दा उठाया था और ट्विटर के थ्रू भी कि हमारे भी एग्जाम कैंसिलेशन होने चाहिए, बट आप में से किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करा, मुश्किल से 50-60, इससे ज्यादा लोगों से ने सपोर्ट नहीं करा। वीडियो सब देख लेते हैं बट सपोर्ट कोई नहीं करता। मैंने दो वीडियो बनाई थी, इन दोनों वीडियो में समझाया था कि आपको क्या करना है एग्जाम कैंसिलेशन से रिलेटेड, बट किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना तो प्लीज इन दो वीडियो को देखिए और इनमें जो तरीके बताए हैं उन्हें अप्लाई कीजिए और जाके इन्हें जितना शेयर मार सकते हो उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया था एग्जाम कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज उस ट्वीट को जाके रीट्वीट कीजिए। मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे सबसे ऊपर आपको ये ट्वीट मिलेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करिए, लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी राय बताइए एग्जाम कैंसिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये बात तो हम खत्म करते हैं, अब आप सपोर्ट करोगे नहीं करोगे वो मुझे नहीं पता, करोगे तो भाई हमारे भी एग्जाम कैंसिलेशन की बात उठेगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। जी हाँ, मैं फोर्थ सेमेस्टर के और सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ जो DU SOL में पढ़ते हैं, उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए गाइज, अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम होंगे और ऑनलाइन मोड में होंगे और 29 जुलाई से पहले नहीं होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। तो अगर आप चाहते हो एग्जाम कैंसिलेशन कराना तो प्लीज जाके सपोर्ट कीजिए, वहां पे आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें और एग्जाम कैंसिलेशन के ऊपर बात उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपने विलेजेस में फंसे हुए हैं और बहुतों के घर की सिचुएशन बहुत खराब है, उनसे कुछ अपने बिछड़ चुके हैं, तो वो ऐसी स्थिति में एग्जाम कैसे देंगे आप खुद सोचिए। और साथ ही साथ आप अपने बारे में भी सोचिए कि ओपन बुक एग्जाम में बहुत सौ के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, बहुत सौ की शीट टाइम पे अपलोड नहीं हो पाती और बहुत सौ के साथ बहुत सारे झंझट होते हैं जिस वजह से आपको फेल कर दिया जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात भी आपको, क्योंकि मैंने ये पिछले साल भी रियलाइज किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे, ठीक है। तो प्लीज जाके आप इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा बनाइए, ट्वीट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक यही मुद्दा था और एक आपको डाउट क्लियर करने था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।